हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का टेक्निकल माजिद यूट्यूब चैनल पे फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बेसिकली दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एनएमडीसी लिमिटेड की तरफ से अप्रेंटिसशिप के फॉर्म निकाले गए हैं, मतलब कि उसमें वैकेंसियाँ निकाली गई, 59 वैकेंसियाँ निकाली गई है, जिसमें मैं आप लोग बताऊँगा कि आपको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जी दोस्तों, यदि आप भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगेंगे। जी दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पे भी देखा कि डिग्री और जो है कि डिप्लोमा या फिर आईटीआई वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जी दोस्तों, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको अच्छी खासी इसमें सैलरी मिलने वाली। जी हाँ दोस्तों, 20,000 तक अप्रेंटिसशिप में आपको इसमें सैलरी मिलने वाली। और दूसरी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना होगा, इसमें आपको डायरेक्ट सिलेक्शन है और इसकी कोई भी फीस आपको पे नहीं करनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में ये भी बताऊँगा कि आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने का तरीका क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, बेसिकली मैं हूँ एनएमडीसी लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो आप इसका यहाँ पर लिंक देख सकते हैं www.nmdc.co.in। जी दोस्तों, मैं इसके होम पेज हूँ तो आपको भी इसके होम पेज पे आ जाना है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हमें जो है कि कैरियर्स वाले ऑप्शन में जाना है। यहाँ पर देखें, कैरियर की बटन मिलेगी, फाइनली आपको इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक पीडीएफ फाइल मिलेगी, जिसमें कि आपको यह बताया जाएगा कि इसमें कौन कौन से लोग एलिजिबल है, आपको पेमेंट कितनी होगी, डिप्लोमा आईटी या फिर बीटेक वालों के लिए जो भी ट्रेड मांगे गए हैं, और इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। जी दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, इसमें सिलेक्शन फुल डायरेक्ट होने वाला है, मेरिट लिस्ट के हिसाब से होने वाला, मतलब कि आपके बीटेक डिप्लोमा या फिर आईटीआई में जितना परसेंटेज बना सेमेस्टर वाइज, उसके हिसाब से इसमें डायरेक्ट सिलेक्शन होने वाला। तो यहाँ पर देखिए, ये पीडीएफ फाइल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग वैकेंसी नोटिफिकेशन 2021, फाइनली आपको इस पर क्लिक करना है और जो पीडीएफ फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देखिए, ये पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो चुकी है और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं एनएमडीसी एलटीडी। जी हाँ दोस्तों, आप लोग यहाँ पर और देखिए, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग वैकेंसी नोटिफिकेशन 2021, तो फाइनली दोस्तों इसका जो नोटिफिकेशन वो 10/5/2021 को रिलीज कर दिया गया है, एंड इसकी जो लास्ट डेट है वो 15/6/2021। जी हाँ दोस्तों, ये मतलब कि जून के महीने में 15/6/2021 इसकी लास्ट डेट होगी, यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं, बेसिकली अप्रेंटिसशिप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, और आप लोग यहाँ पर देखें, आपको ग्रेजुएशन अप्रेंटिसशिप आपको जो है कि टोटल 16 वैकेंसी निकाली गई, जिसमें आपको 4 ईयर का डिग्री होना चाहिए, जिसमें कि आपकी जो ब्रांच होनी चाहिए वो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिक। ठीक, उसके बाद आप लोग यहाँ पर डिप्लोमा वाले के लिए देख सकते हैं, डिप्लोमा वाले के लिए 13 वैकेंसी निकाली गई, जिसमें 3 ईयर का डिप्लोमा जो कि ट्रेड यहाँ पर मांगे गए हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम, मॉडर्न ऑफिस एंड कंप्यूटर साइंस अप्लीकेशन। दोस्तों, यदि आप डिप्लोमा जो है कि इन ट्रेड से किए हैं तो बेसिकली आप अप्लाई कर सकते हैं अप्रेंटिसशिप के लिए, जिसमें कि आपको जो है कि 13 वैकेंसियाँ निकाली गई। तो बेसिकली आप लोग यहाँ पर दोस्तों देखें, जो आईटीआई वालों के लिए 30 वैकेंसियाँ निकाली गई, टोटल जो निकाली गई 59 वैकेंसियाँ निकाली गई है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इश्यूज बाई नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग इन कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट COPA। ठीक है, यदि दोस्तों इन तीनों जो वैकेंसियाँ निकाली गई है, एक ग्रेजुएशन, एक डिप्लोमा एंड एक आईटीआई वालों के लिए यहाँ पर अप्रेंटिसशिप के लिए निकाली गई है। तो चलिए हम नीचे चलते हैं और सारी जानकारी लेते हैं। तो आपको यहाँ पर देखें, यहाँ पर बताए गए हैं कि कैंडिडेट शुड प्रोसेस ए डिग्री डिप्लोमा आईटीआई सर्टिफिकेट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन NCVT। कैंडिडेट हु हैव कंप्लीट 3 ईयर आफ्टर ऑब्टेंड डिग्री डिप्लोमा आईटीआई सर्टिफिकेट आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, तो मतलब आपके पास जो है कि डिग्री डिप्लोमा आईटीआई जो कि सर्टिफिकेट वो होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग नीचे चलते हैं और जानते हैं कि इस फॉर्म को हम कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसमें मैं आपको बता चलूँ, जैसे कि इसमें आपको सैलरी जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन अप्रेंटिसशिप, मान लीजिए आप बीटेक किए हैं इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कम्युनिकेशन के लिए, तो आपको 20,000 यहाँ पर मिलने वाला अप्रेंटिसशिप में, जो कि काफ़ी दोस्तों अच्छी बात है, जो कि आप फ्रेशर है, फ्रेशर को 20,000 यहाँ पर मिलने वाली। वहीं यदि आप जो है कि डिप्लोमा पास किए हैं तो डिप्लोमा के लिए यहाँ पर 16,000, यदि आप आईटीआई होल्डर है तो आपको 10,000 का यहाँ पर सैलरी मिलने वाला। तो यहाँ पर सैलरी डिक्लेयर कर दिया गया कि आपको सैलरी यहाँ पर कितना देने वाले हैं सिलेक्शन होने के बाद, और यहाँ पर आप नीचे आइए, आपको अप्लाई कैसे करना वो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता चलूँ, इसमें मेल व फीमेल ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा या फिर आईटीआई वाले मेल फीमेल दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, और इसमें अप्लाई कैसे करना है, आपको यहाँ पर ये ईमेल मिल रही है bld5hrd@nmdc.co.in। जी हाँ दोस्तों, ये ईमेल आईडी है, इस ईमेल आईडी पर आपको अपना रिज्यूम सेंड करना, जिसमें कि आपको पासपोर्ट साइज एंड फोटोग्राफ्स होना चाहिए। ठीक है,
कॉर्नर में आपको जो है कि रिज्यूम आप बनाते हैं, कॉर्नर में जो है कि फ़ोटो आपकी होनी चाहिए और वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। जब आप इसकी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, ठीक है वो, एंड आपको एड्रेस, कम्युनिकेशन एंड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, जिससे कि आपसे कॉन्टेक्ट हो सके। और इतना नहीं, आपको डेट ऑफ बर्थ एंड एड्रेस एंड क्वालिफिकेशन एंड कास्ट सर्टिफिकेट मेंशन करके आपको जो है कि इस ईमेल आईडी पर भेजना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको रिज्यूम आपके पास होगा जिसमें आपको फ़ोटो लगा होना चाहिए, एंड उसके बाद आपको जो है कि एड्रेस एंड जो है कि कम्युनिकेशन, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आप उसमें मेंशन होना चाहिए, और प्रूफ जैसे क्वालिफिकेशन, डिप्लोमा आई टी या फिर ग्रेजुएशन की जो डिग्री है वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देखें, द मार्क्स ऑब्टेंड इन डिग्री, डिप्लोमा आई टी आई आर सेमेस्टर मस्ट बी मेंशनड क्लियरली, मतलब कि आपको मेंशन करना है क्लियरली हर एक सेमेस्टर का, जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, तो उसी के हिसाब से आपको इसमें सिलेक्शन होने वाला। आप ये मेन चीज़ें आपको याद रखना, ठीक है, आपको मेंशन करना हर एक सेमेस्टर का, ठीक है। यहाँ पर डिप्लोमा, डिग्री और टीआई वालों को हर एक सेमेस्टर का यहाँ पर मेंशन करना है कि आपको कितने नंबर मिले हैं कितने में से, ठीक है, तो जिससे कि उसी के हिसाब को आपको सिलेक्शन होने वाला। तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग सिलेक्शन प्रोसेस 2021। तो दोस्तों यहाँ पर यही बताया गया, आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो जो है कि आपने जो डिप्लोमा किया है, आईटीआई किया है, फिर डिग्री की, डिग्री बीटेक वगैरह की है, तो उसी के हिसाब से यहाँ पर आपको मेरिट लिस्ट हिसाब तैयार किया जाएगा। मतलब कि आपको फर्स्ट ईयर का देखा जाएगा या फिर फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, आपके नंबर देखे जाएंगे कि आपका परफॉर्मेंस क्या है। आपका परफॉर्मेंस यदि अच्छा होता है तो आपको वहाँ पर मेरिट लिस्ट इसी वेबसाइट पर आपको मिलेगी, इसका रिजल्ट आएगा, तो उसी के हिसाब से आपका इसमें सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों अब आपको मालूम हो चुका है इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सैलरी कैसे मिलने वाली है, लास्ट डेट क्या है, सारी चीज़ें अब आपको मालूम है। यदि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप फाइनली आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको ईमेल आईडी नीचे दी गई। दोस्तों मैं लास्ट में आप लोगों से कहना चाहूँगा, यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियोज़ अपलोड करूँ आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियोज़ को भी लाइक कर दें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोज़ सरकारी जॉब की जो है कि वैकेंसी अपलोड करता रहता हूँ अपने चैनल्स पर।